इन दोस्तों, तो दोस्तों लेफ्ट साइड में है आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस और उसी की साइड में है इसका बैक कवर। तो दोस्तों बैक कवर आप देखते हैं तो ये काफी सुंदर और अच्छा लगता है। हालांकि ये जो डिजाइन है बहुत कॉमन है दोस्तों, काफी फोन्स पे आपने देखा होगा, लेकिन जब ये फोन पे लगता है दोस्तों इसका जो चोको डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको भी ये बैक कवर खरीदना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। और यहां पर मैं बताऊंगा कि क्या है प्राइस, कैसी है ड्यूरेबिलिटी, कैसा लगा मुझे इसको परचेस करने के बाद, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिरी तक। तो दोस्तों ये है आपके सामने मेरे फ़ोन का बैक कवर और यहाँ पर आप देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मैंने ये ऑरेंज और ब्लैक बटन्स के साथ में ये ऑर्डर किया था और यहाँ पर आप देखते हैं तो काफ़ी चौकोर इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है आपको। फ़ोन पे लगने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पर जो कट्स हैं, एज कट्स, आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ कट है। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखें, जितने भी ग्रिल्स होती हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, चाहे वो स्पीकर ग्रिल्स हो, चाहे वो आपके नोट 10 प्लस का आपका पैनी, स्टाइलिश पैनी क्यों ना हो, एस पेन जिसे हम बोलते हैं वही क्यों ना हो, सारी चीज़ें प्रॉपरली मिल जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है आपको और साइड में यहाँ पे आपको रबड़ का देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से आपको कलर ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं बटन्स के लिए, उन्हें भी आप सेलेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ के इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से आपको अप्लाई करके बताता हूँ और बताता हूँ कि मुझे ये कैसा लगा यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ है बैक कवर और यहाँ है हमारा फ़ोन, तो मैं इसे इसके अंदर एक बार लगा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये प्रॉपरली फिट हो जाता है। बैक साइड में आप जाकर देखते हैं तो इस तरीके से आपके फ़ोन का लुक आता है, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी प्रीमियम लगता है दोस्तों। हर कोई आपसे पूछेगा डेफिनेटली कि आपका ये कवर कहाँ से आया। ये देखिए इस तरीके से ये दिखता है फ़ोन। और उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप साइड में देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से कट किए हुए हैं, प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ कट्स है। अगर हम बात करें यहाँ पर पेन को इजेक्ट करने की तो ईजिली इजेक्ट हो जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्पीकर भी काफ़ी अच्छे से कट है यहाँ पर, और आपका जो पोर्ट है चार्जिंग पोर्ट और आपका हेडफोन जैक जो भी इसके अंदर है, टोटल सारी चीज़ें इसी के अंदर मिलेगी आपको, तो आप इसे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक माइक्रोफोन है, ऊपर की तरफ भी एक आपको ड्यूल स्पीकर मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये फ़ोन ड्यूल स्पीकर सपोर्ट करता है, तो ऊपर की तरफ भी आपको स्पीकर मिल जाता है और साइड में माइक्रोफोन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चार्जर पोर्ट भी लगा कर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा USB टाइप सी जैक मैंने मंगा रखा था अलग से, क्योंकि मैं वीडियोस सारे नोट 10 प्लस से बनाता हूँ मेरे चैनल पे, और इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आप चाहें USB टाइप सी जैक लेना तो ये सैमसंग का है, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप जाके वहाँ पर इसका भी एक अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो ये ईजीली इसके अंदर लग जाता है दोस्तों किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये काम करता है प्रॉपरली, तो इस तरीके से लग जाता है। और यहाँ पर आप लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। प्राइस दोस्तों अगर मैं बताऊं तो देखिए मैंने ये ऑनलाइन 240 रुपये में ख़रीदा है, ऑफलाइन अगर आप जाते हैं तो आपको 100 रुपये या 150 रुपये में मिल सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके कंपनी के हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से, आपके मोबाइल फ़ोन के मॉडल के हिसाब से क्या ये कवर अवेलेबल होता है कि नहीं। क्योंकि ऑफलाइन में हमने यहाँ पर काफ़ी ट्राई किया, मुझे कहीं नहीं मिला जयपुर में, बट मैंने ऑनलाइन देखा तो मुझे ऑप्शन मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऑरेंज एंड ब्लैक के साथ में मिला, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा चीज़, जिससे क्या काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी ये कवर आप कहाँ से लाए, हालांकि ये बहुत कॉमन कवर है, मैंने भी किसी का देखा तो मैंने मंगा लिया, बट मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया इसको लेने के बाद। और लिटरली बता रहा हूँ मेरा जो फ़ोन है वो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, हालांकि मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन आप देखेंगे तो एकदम डिफरेंट लुक हो गया मेरे फ़ोन का, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। सारे कट्स वगैरह प्रॉपर हैं, चाहे आप गौर से देखिए इसको पास से तो हल्की हल्की सैमसंग की ब्रांडिंग भी दिख जाती है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कट्स वगैरह प्रॉपरली है। जो मतलब बेसिकली मैंने देखा है कि कभी भी हम कवर चेंज करते हैं बैक का तो कुछ स्पीकर्स पे से आवाज़ नहीं आती है प्रॉपरली, या फिर हमारे माइक्रोफोन्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैं इसको स्टैंड पे भी रखता हूँ तो बहुत ही ईजीली तरीके से काम करता है, और जो लुक है बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश लगता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है 2 दिन से, और जो यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका सारा रिव्यू दिखा रहा हूँ। तो मुझे ये फ़ोन बैक कवर लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, और इजीली आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपकी जो भी सुपर अमोलेड स्क्रीन आती है सैमसंग की, तो यहाँ पर आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा आपकी वीडियोज़ का वो बहुत ही क्लासी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा फुल एच टू एच आपकी विजिबिलिटी आती है वीडियोस की, चाहे आप YouTube देखते हैं या कोई भी वीडियोस या मूवीज़ अगर आप देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इस तरीके का बैक कवर भी आता है बड़े फ़ोन्स के लिए भी, हालांकि छोटे फ़ोन्स के लिए आता था लेकिन बड़े फ़ोन्स के लिए भी आता था, यानी कि हाई रेंज वाले फ़ोन जितने भी होते हैं उनके लिए भी आता है। तो अगर आपको भी ये पसंद आए दोस्तों
वीडियो। और अगर आपको ये बैक पैनल पसंद आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। याद रखिए, सस्ते से सस्ता भी मिल सकता है, महंगे से महंगा भी मिल सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी लेना चाहते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आप लोग लाता रहूं, आपको अपडेट हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर, वंदे मातरम।